नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेत में घास काटने की बात पर महिला से मारपीट, जब थाने पहुंची शिकायत तो पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। देखिए मनासा की बड़ी खबर। मनासा शिवांगी सिंह परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा खेत में घास काटने की बात को महिला के साथ धराते से मारपीट करने वाले दो पुरुष व दो महिलाओं आरोपीगण रामप्रसाद पिता केशुराम काशी उम्र 49 वर्ष, मांगीलाल पिता केशुराम काशी उम्र 45 वर्ष, गंगाबाई पति रामप्रसाद काशी उम्र 44 वर्ष तथा ग्यारसीबाई पति मांगीलाल काशी उम्र 30 वर्ष, सभी निवासीगण ग्राम डांगड़ी हासपुर तहसील मनासा जिला नीमच को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323/24 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। विवेक कुमार गोयल ADOP द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 6/8/2013 को दिन के 1 बजे थाना मनासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हासपुर स्थित फरियादिया के खेत की है। फरियादिया आशाबाई व आरोपीगण के मध्य खेत की मेड़ का विवाद चल रहा था। घटना दिनांक को फरियादिया उसके खेत में घास काट रही थी, तभी आरोपीगण वहां पर आए और बोले कि तूने खेत की घास क्यों काटी, और इसी बात को लेकर विवाद करते हुए आरोपीगण द्वारा उल्टे दराते व पत्थर से फरियादिया के साथ मारपीट की गई। फरियादियों द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 296/2013 धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोजन पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादिया सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट किए जाने के अपराध को प्रमाणित करते हुए उन्हें कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 3-3 माह के कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल ADOP द्वारा की गई। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारे साथ।